तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। जैसा कि फ्रेंड मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेगा शो वेबसाइट है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सिंपली आप इस लिंक पे क्लिक करके जो है कि आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो है कि सभी प्रकार के प्रोत्साहन राशि के लिए आपको अप्लाई करने के लिए जो है कि लिंक मिल जाएगा, चाहे वो इंटर हो या मैट्रिक हो या आप ग्रेजुएशन पास हो। तो फ्रेंड हम आज बात करने वाले जो है कि स्नातक पास के बारे में। जैसा कि फ्रेंड मैं बता देता हूँ आपको कि इसका जो है कि पेमेंट लिस्ट के लिए जो है कि डेट जारी हो गया है। किस डेट को जो है कि आपको ग्रेजुएशन पास 50,000 का जो आप फरवरी मंथ से जो आपका ऑनलाइन चल रहा है उसका जो है कि डेट जारी कर दिया गया है कि आपको जो है कि किस डेट में आपके अकाउंट में पैसा आने वाले हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड। उसके बाद जो है कि कुछ डिटेल्स जो आपका जो है कि मिसिंग हुआ है, जैसे आपका बैंक अकाउंट या फिर जो कि रेसिडेंटल हो गया या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब आपका जो है कि जो भी इसमें इशू आया सारे चीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड। वीडियो अच्छे लगे फ्रेंड तो जो है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड आप यहां पे जो है कि मुख्यमंत्री बालक स्नातक योजना का जो यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि ये फ्रेंड जो है कि ग्रेजुएशन पास के लिए है, जो बीए पास कर चुके हैं ये उसके लिए है। इस वेबसाइट पे आने के बाद देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर आप आ जाएंगे कि इसका देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग को मैं बता दूं फ्रेंड कि मैंने डेट जो है कि इसका काफी सारा वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, आपको जो कि फिर एक न्यू वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। देख सकते हैं यहां पे जो इसका लास्ट डेट 31 मार्च तक रखा गया है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं जिसका पेंडिंग या रिजेक्ट कर दिया गया है उनको क्या क्या करना है। देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि यहां पे आपको लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं में कि जिनका जो कि पेंडिंग और रिजेक्ट है इन द पोर्टल विल बी अलाउड द कंप्लीट द एप्लीकेशन जो है कि इंश्योरेंस लास्ट डेट तक। मतलब आपको जो है कि लास्ट डेट तक जो है कि फ्रेंड आपको जो पेंडिंग भी है या रिजेक्ट है तो आपको जो अगर रिजेक्ट कर दिया फ्रेंड तो आपको जो है कि रीअप्लाई कर देना है। सेम प्रोसेस से आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहां से आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका रिजेक्ट कर दिया फ्रेंड तो आप जो कि अच्छी तरह से जाके दोबारा से ध्यान से जो है कि पूरी तरह से फॉर्म को अप्लाई करेंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। या अगर आपका पेंडिंग भी कर दिया फ्रेंड तो आपको उसके लिए करना, अगर पेंडिंग है फ्रेंड तो आपको जो है कि पेंडिंग वालों को फ्रेंड सबसे पहले क्या करना है कि आप यहाँ पे जो है कि रिजल्ट पब्लिश डेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, इस पे क्लिक करने बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहाँ से कुछ हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है। देख सकते हेल्प डेस्क यहाँ पे नंबर मिल जाता है, सिंपली देख सकते हैं इसमें से आपको जो है कि ये तीनों नंबर में से कॉन्टेक्ट करना है, आपको इनसे बात करना है, आपको प्रॉब्लम बतानी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका डिटेल्स है आप सारा बताएंगे, वो आपको जो है कि उसका सॉल्यूशन कर देंगे। अगर आपका पेंडिंग है काफी टाइम से जिनका जो कि फरवरी में अप्लाई किया जो अभी तक पेंडिंग है तो उनको ये चीज करना है, नहीं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं यहाँ से आप अपना जो है कि अपना पेमेंट लिस्ट भी चेक करते हैं। अगर आपने फाइनलाइज कर दिया, आपका सारा चीज वेरिफिकेशन हो गया है, आईडी पासवर्ड आ गया, फाइनलाइज कर दिया है, तो आपका अपना पेमेंट लिस्ट कैसे चेक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट का, पेमेंट प्लस करके। पेमेंट पे क्लिक करने बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक मिल जाता है आपको स्टूडेंट फॉर पेमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। एक यहीं पे देख सकते हैं इसी के नीचे जो है कि नया जो ऐड किया हुआ है, जो कि अब जाके ऐड किया हुआ है, नया कुछ दिन पहले ऐड किया गया था इसमें, जो कि देख सकते हैं अनफाइनलाइज, मतलब कि अगर आपका आईडी पासवर्ड हो गया और आपका जो है कि आपने फाइनलाइज नहीं किया है तो वो अपना लिस्ट यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और सारा चीज पेमेंट पे क्लिक करने बाद आपका यहाँ पे जो है कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डायरेक्टली आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद लिस्ट 1-2 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाम जो है कि लिस्ट 1 में है तो आपका लिस्ट 1 से जो व्यू करेंगे नाम आ जाएगा, अगर 2 में तो कोई। अगर आप ऐसे डायरेक्ट सर्च करना चाहते हैं सिंपली लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जो है कि लिस्ट शो हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे लिस्ट शो करके आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे सबका जो है कि यहाँ पे एक लाइन से देख सकते हैं आप सभी का लिखा हुआ है, फिर रेडी फॉर पेमेंट देख सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड आप दूसरा चेक करेंगे जैसे अनफाइनलाइज पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो देख सकते हैं ये सारा जो है कि उन कैंडिडेट का रहा है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे उनका कोई खास डिटेल्स नहीं आ रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका कोई खास, अभी यहाँ पे जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसका जो है कि कौन सा कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर आपको यहाँ से जो कि न्यू अप्लाई करना है तो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। आईडी पासवर्ड आ गया है तो फिर लॉग इन फॉर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपने अगर सारा आपने अप्लाई कर दिया है उसके बाद जो है कि आपका किसी भी तरह कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से सारा डिटेल्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो है कि गेट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। देख सकते हैं इनका जो है कि यूजर आईडी जो है कि इसका जो है कि फाइनल स्टेटस जो कि बता रहा है, इसका आईडी पासवर्ड आ गया है, सारा चीज इसका फाइनलाइज हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद जिनका जो कि यहाँ पे अगर जिनका वेरिफिकेशन सारा हो गया बट आईडी पासवर्ड नहीं आया वो कैंडिडेट ये वाले जो है कि सेक्शन को चूज करेंगे, गेट यूजर आईडी आपका वेरिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद जो है कि यहाँ पे गेट यूजर आईडी करेंगे, आपका तुरंत ही का जो है कि आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फ्रेंड बात करते हैं जिनका अगर बैंक अकाउंट जो है कि गलत भरा गया है या फिर आपका जो है कि निवास प्रमाण पत्र गलत भरा गया है या फिर आपका जो है कि आधार कार्ड को लेकर कोई इशू है। हालांकि फिर मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको सिंपली जो है कि हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। अगर आपने कोई भी गलती से अगर कोई भी डिटेल्स आपने फिल कर दिया तो आपको कोई दिक्कत घबराने वाली कोई बात नहीं है। फ्रेंड ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो 31 मार्च तक जो डेट है वो आपका
अप्लाई करने का है, ना कि फाइनलाइज करने का। अगर गवर्नमेंट की तरफ से 31 मार्च के अंदर में सारा स्टूडेंट का अगर पेपर जो है कि हैंडल हो जाता है तो वो यूजर आईडी पासवर्ड दे देता है, अगर नहीं होता है तो वो खुद ब खुद डेट बढ़ा देता है, क्योंकि उसको भी वेरिफिकेशन करने में टाइम लगता है, तो इस वजह से वो डेट बढ़ा देता है। बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कि फॉर्म चेक नहीं हो पाता है, जिसका पेंडिंग शो कर रहा है, तो उसको आईडी पासवर्ड वो कैसे देगा। इस केस में लास्ट में उसको जो है कि डेट बढ़ाना पड़ता है। अगर आपने सब चीज सही भरा है तो फिर भी आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाले। आप जो कि स्टेटस चेक करते रहेंगे, आपका जो कि जैसे वेरिफिकेशन होगा आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर फाइनलाइज कर सकते हैं आप। जो फ्रेंड गलत जो फ्रेंड कुछ भी गलत फिल कर दिए हैं, या बैंक अकाउंट हो या फिर रेसिडेंटल हो या फिर आपका जो है कि मोबाइल नंबर या किसी भी तरह का गलत फिल कर दिए, तो सिंपली आपको जो है कि यही चीज करना है, आपको जो है कि इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना है या मेल करना है, आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा फ्रेंड इसमें कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं जिससे आप जो है कि आप यहां से रिजेक्ट करवा सकते हैं, या नहीं आपको हेल्पलाइन नंबर पे ही बात करना होगा, या तो आपको वेट करना होगा। जैसे आईडी पासवर्ड आता है आराम से आप जहां पे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। फ्रेंड बहुत सारे फ्रेंड का जो है कि कहना है कि उनको जो है कि यूजर आईडी पासवर्ड सही डालने पे भी जो है कि इनवैलिड शो करके आता है। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं, अगर आप मोबाइल फोन से यूज करते हैं तो मोबाइल फोन में जो इसका जो वेबसाइट डेवलप होता है फ्रेंड, वो होता है जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है कि इसका जो एक साइज होता है, तो फोन के साइज में सिस्टम का साइज में काफी डिफरेंस होता है फ्रेंड। तो इस वजह से मोबाइल के पेज में जो है कि ज्यादातर एक्सेस नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आपका गलत बताता है। आप जो है कि लैपटॉप या कंप्यूटर किसी साइबर कैफे वाले से जाकर भी करवा सकते हैं, या फिर आप हमारे थ्रू भी बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप हमारे जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे आप ऐड हो जाएंगे, वहां से आप जो है कि कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको जो है कि फ्री में बिल्कुल आपका जो है कि सारा मदद कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का इशू होता है आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको जो है कि 100% मदद किया जाएगा। जब आईडी पासवर्ड आपका जो है कि रॉन्ग बताता है तो आपको करना कुछ नहीं, सिंपली पेज को जो है कि कट कर देना है, उसके बाद वापस से आपको जो कि लॉगिन होना है, पेज को अच्छे से रिफ्रेश करके वापस से लॉगिन होंगे, उसके बाद जो है कि आईडी पासवर्ड को फिर से डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका जो है कि लॉगिन हो जाएगा। आप एक दो बार ऐसे करके ट्राई करेंगे, हो जाएगा। मैंने आपको ये सारा चीज बता दिया, लिस्ट कैसे चेक करना है फ्रेंड, कैसे जो है कि सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, कैसे अप्लाई करना है, फाइनलाइज करना है या फिर आईडी पासवर्ड कैसे करना है, सारा चीज मैंने बता दिया। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उसी दिन ये डेट में जो कि इन्फॉर्मेशन आया हुआ है कि जो कि पेमेंट के बारे में, कि किस डेट को पेमेंट आएगा फ्रेंड, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये सारा चीज तो हो गया फ्रेंड। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड मैं आपके लिए जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं ताकि आप तक पहुंच सके, और आप भी कोशिश करें फ्रेंड कि आप जो कि आपके जो नेटवर्क सर्कल में आते हैं फ्रेंड, आप उनको जो है कि जरूर से जरूर जो कि रिकमेंड करें इस तरह का वीडियो, ताकि जो है कि दूसरों के पास जो कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो है कि आपका भी काम हो जाए और उनका भी काम हो जाए, कोई भी स्टूडेंट जो है कि छूटे नहीं। जो नोटिस जारी होकर आया हुआ है कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 अप्रैल को इंटर व स्नातक में उत्तीर्ण बेटियों को खाते में प्रोत्साहन राशि जो है कि भेजे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फ्रेंड, जो है कि आपको यहाँ पे बता दिया है कि 3 अप्रैल को फ्रेंड जो है कि इस मंथ के जो है कि अभी जो है कि आपका ये मंथ लास्ट चल रहा है, और इस मंथ के बाद जो कि 3 अप्रैल को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अप्रैल को जो है कि आपके अकाउंट में पैसा भेजे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी नीचे आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने जो घोषणा की है कि इंटर और स्नातक में उत्तीर्ण होने वाली बेटियों के खाते में 3 अप्रैल को डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे जो कि 3 अप्रैल को आएंगे फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो कि नोटिस ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी होकर आया हुआ है कि 3 अप्रैल को आपका जो है अकाउंट में पैसे आएंगे, जो कि इंटर और जो है कि आपका जो ग्रेजुएशन पास किया है, जिसने जो ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट है जो अप्लाई कर चुके हैं फॉर्म को, उनके खातों में जो है कि 3 अप्रैल को जो है कि पैसा भेजेंगे। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि 3 अप्रैल का मतलब ये नहीं कि आपको ठीक उसी दिन पैसा आ गया, 3 अप्रैल को जो है कि आपका अकाउंट जो कि पैसा को रिलीज कर दिया जाएगा, बट आपके जिसका बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है उनको जल्दी पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये मैनेटरी करवाना ही, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपने बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड को जरूर लिंक करवा के रखें। उसके बाद फ्रेंड जैसे 3 अप्रैल को जो रिलीज करेगा, बट आपको थोड़ा समय लग सकता है, किसी किसी को उस दिन भी मैसेज आ सकता है या किसी को 2 दिन के बाद भी आ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, ये सर्वर का काम होता है जो कि, और आपको पता है बिहार का सर्वर किस तरह से काम करता है, तो आप जो है कि ज्यादा घबराए नहीं। अगर आपका फाइनलाइज हो गया, आईडी पासवर्ड हो गया, फाइनलाइज हो गया, तो आपके अकाउंट में निश्चित पैसा आएगा, और जिसका जो है कि नहीं हुआ है तो वो वेट करेंगे, इजीली हो जाएगा। और बाकी किसी भी तरह का कोई समस्या होता है फ्रेंड, तो आप कमेंट में जरूर पूछे, आपकी पूरी मदद की जाएगी फ्रेंड। जैसा कि मैं बता दूं, देख सकते हैं ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया था, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो आप उसमें भी ज्वाइन होकर रह सकते हैं। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का जो कि अपडेट आता है तो उसमें वो आपको तुरंत आपको जो कि इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में फ्रेंड ये सब सारी डिटेल्स के लिए मैंने बात किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड कमेंट करके बताएं, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।